वेलकम बैक राजमुख टेल लाइन से ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब सेक्रेटरी जनरल जीडी आ डॉक्टर साहब तांके वेलकम चौंदा पने प्रोग्राम में मेहरबानी वाले सही में सर नई पार्टी जो वजूद में अचण बई ताकतवर मानुन परवेज खटक साहब महमूद खान वजीर आला भी रहो को फर्क पौंदो पीटीआई ते उन जे सपोर्ट बेस ते अमित सर गाला त घन पटन मा बियु पार्टियों के ठाण की कोशिश कई हुई आ उनमें जो एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं इतने भी हाँ कोशिश आई है केपी में जो परवेज खटक साहब पांजो अनाउंस किया तो वहाँ उनको ग्रुप पांच पार्टी ठाई अड़ी तरह जहांगीर तरीन साहब उत पाकिस्तान पार्टी ठाई है यकीन उनमें कुछ मू जॉइन भी कंदा पर अल्टिमेटली पीटीआई के हवाले से मेजर समझा तो पे जो तदिया निगार उनके दिसो पवो तो अल्टिमेटली खान साहब की लीडरशिप किथे वही बीहंदी सो इलेक्शन का अग में सो खान साहब की का डिस्क्वालिफिकेशन थी या किथे उनकी सजा थी वी जिते वो पार्टी के पाँच इलेक्शन भी न वड़ी सके और पार्टी के लीड भी न कर सके और इन 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 सूरत में सो केर पार्टी के लीड कह चाहे करे यो इम्पोर्टेंट हूँ पार्टी की पार्टी लीडर जो थोड़े प्रेसिडेंट हो या चेयरमैन हो तो पांजो जो पार्टी लीडर आ उनकी अहमियत है इलेक्शन एक्ट में भी जो पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन थी उनमें हर उनमें सो पार्टी लीडर जो रोल हों तो यो दिसो पवो तो अल्टिमेटली जे खान साहब पार्टी की लीड नो करे पीटीआई के तो केर लीड कह और बी गाल यह तो बाबा पार्टी के वोट बैंक से ही धड़ा ठहन था पाया केतो असरअंदाज थी आया जे मू पो इन धड़े में शामिल थन पाया या इन पार्टी में शामिल थन पाया छा वो पीटीआई जो वोट बैंक भी पान से गुड खी वा तो ये सब जो गाल जैसे जैसे अचान वे दिन में बहस वायसो हलो और जो सो मामला जो सो जी जी अगत तीय तीन सो उन मतों सो मुख्त तजिया निगार या मुख्तलिफ जे भी सियासी मानून उनकी जो तजिया भी इंदा उन हर हर पार्टी पां सिर वरी उनके उनके पांजो रोल भी अदा कंदी पांजी जो उनकी पॉलिसीज हूँ हर को खड़ी उनके अगत हलो समझा ये अना वो चवन बिटवीन द लिप एंड द कप डिस्टेंस हों कहीं कहीं जैसे चाय पियो था पाया तो अना चाय जो प्यालो जी जुबान तक पहुंचे तो पो चपन तक पहुंचे तो पे तो उनमें वो फास्तो हों उनमें घो कुछ थी सके तो पो यो चंदुस भगवान या तो मामला ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है हाँ पार्टी शुरू थी हाँ एक्चुअली दिसो तो मामला किथे था वन पाया समझा तो अचान वे दिन में काफ़ी इंट्रस्टिंग जो सियासी मूव्स हूँ हर पार्टी की तरफों हर जो सियासी किरदार उनकी तरफों तक नजर इंद अल्टिमेटली केर तो इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जो केर तो वही पार्लियामेंट में वे केर तो सूबाई असेंबली में वे और उनकी बुनियाद से सेनेट के ठे वे अल्टिमेटली प्रेसिडेंट साहब जो भी हाँ खत्म तो थे पो टेन्योर तो केर तो प्रेसिडेंट थे ये सब गाले सो अचान वे दिन में मुझे नजर में इन गहरी नजर होंगी जे जयत साहब थी और जो बया तजिया निगार उनकी वही एक नजर होंगी इन सभी इवेंट्स से तो मुझे नजर में ये सब गाल मल काफ़ी सो अचान वे दिन में इन सभी नजर होंगी अगर सिंध के अंदर आइनी घुर्जू आइनी घुर्जू कि पूरी थी निगरान सेटअप किएं वजीर आला किएं तहां भी आयो कोशिश थी कई वे तो एम क्यूएम जो लीडर ऑफ द अपोजिशन अचे छाजे करे तो पीटीआई जा मानू हाँ तो असेंबली अचन भी कोन था को मीडिया में भी कोन जाहिर भी कोन चवंदो डॉक्टर साहब ऐसो इन मल ती सिंध जो एग्जाम्पल वो मिसाब तो इन मल ती तो मामला क्लियर ऑपोजिशन लीडर जो रिकग्नाइज ऑपोजिशन लीडर स्पीकर साहब के तरफों वो हलीम शेख साहब आ हाँ जो सो जो उनमें का तब्दीली तो स्पीकर साहब भी तब्दीली कर सके तो पो मुझी जो इनमें तब्दील है तो जितना वोट हलीम शेख साहब के मिलया बहसियत ऑपोजिशन लीडर के उनकी नॉमिनेशन के मन उनका जिन वोट पवंदा बे ऑपोजिशन लीडर के तरी वही सो या चेंज इंदी हाँ एम क्यू एम यकीन सो हाँ पांजे लीडर के अगते नालो अगते इन पोजिशन के लिए पर अना तीन सो उन तरफों जे सही उन तादाद पूरी नी नजर अचे उन यकीन सो एम क्यू एम अप्रोच कर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के अस मुलाकात भी थी फारूक सत्तार साहब पा मेहरबानी करो हो असा उनके ये चौसे तो बाबा
असा ताके घणन मौकन ते सपोर्ट दिनी आ अने ताजा इलेक्शन में भी जको सेनेट इलेक्शन में असा ताजी लेडी के वोट ही खटाया हालांकि असा जो पाजो कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली खटी न सक्यो उनके वोट को वे तादाद जका चे आ कोलिशन जे तरफो न मिली पर ते हुंदी भी असा प्रोफेशनल जको सेनेटर होयो एम पीटीआई जो लेडी सेनेटर जका एमकेएम जी उनके असा जे वोटन ता सरसी मिली तो हाने जको आसो असा तवको के न ता जको आसो जीडीए जे के जो नॉमिनेटेड उम्मीदवार होंद उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्सेप्ट कर उनका फिलहाल तो उन्हें नालो दिनो अस तरफ वही उन्होंने उनकी कारगवत को असा वही को अंतो का पर जो ये मामला पाने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चेंज थे तो उनके लिए यकीन वह तादाद खपे हाँ वो तादाद कदम थी अचे पी हाँ ऐसा वाली गाल बाकी हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म उनमें तो तमाम क्लियर आ तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पा में मुशावरत कर एकड़ो नालो सजेस्ट कंदा ये वो न तो पार्लियामेंट्री कमेटी में वो ये वो भी न तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो तो हाँ ऐसा वाली गाल है तो बबा ये सब स्टेप्स के फॉलो थींदा तो किथे वही जो ये नॉमिनेशन थियन थी पे हाँ नेशनल लेवल से भी फेडरल लेवल से भी सिंध में भी बलोचिस्तान में भी चाहे कर जो केपी पो पंजाब में तो ऑलरेडी केटिकल गवर्नमेंट्स पाजा तो मौजूद हैं सो हाँ ये सब मामला इन अल्टीमेटली फैसला कि केर तो सामू अचे उन खबर पवी तो अचान वाले दिन में पाकिस्तान जो जो पोलिटिकल फेट आ इलेक्शन के जरिए कदी और कें डिसाइड डॉक्टर साहब त वरी उ तरीको हों जी डी ए जो इलेक्शन विढ़ण जो हर जिले में इतिहाद ठहंदा हर जिले में उन जिले की सूरत हाल के सियासत के ऐसी कर इतिहाद ठाया वा तरीकेकार हों मल यो ये जो फर्क आयो मीर साहब जैसे अंडरस्टैंड कौन खे तो जी डी ए बहसियत अलायंस जो तो पे अलायंस आ सिंध में जै एक इलेक्शन का बी इलेक्शन तीन हलो तो उनमें जे भी जी डी ए के तेके जे लागापियल मू हुआ जो असा 14 एमपीज हुआ 14 एमपी में एक भी एमपी असा डिफेक्ट न कर सजे अमल के दौरान असा चार 3 एमएनएज हुआ 3 एमएनएज में एक भी डिफेक्ट न कर असा जे टिकट होल्डर्स मुख्तलिफ़ जिले में जे वेठा वो अजा ती जी डी ए से लागापियल सवाए चंद असा दोस्तों के साई हौसल शाह हो जी या असा साई अरबाब रहीम साहब हो उनको पो जी डी ए छी वही पी टी आई से बीठा उनकी चॉइस पर तकरीबन जे असा उम्मीदवार मुख्तलिफ जिलों के अंदर वो अज भी जो सो जी डी ए से गुड बीठा तो मां समझ असा हाँ एतरी मुश्किल को ऑलरेडी जी तक पैर भी जिक्र कम तो अस हर जिले में कॉर्डिनेशन कमेटी ठा चुका हूं अस हाँ जो सो पोलिटिकल एक्टिविटी जी जी अगत इंशाला तक नजर ही तो हर जिले के अंदर जी डी ए की मेंबरशिप असो फ्लैग आ असाई पांजी रजिस्टर्ड पांजो अलायंस आ उनमें रजिस्टर्ड पांज पॉलिटिकल पार्टीज हाँ असो वो सब जो सो पाया कागज पूरे करो रजिस्ट्रेशन पांजो वी चुकी हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल आ एन पी पी आ पी पी वर्कर्स असि एस यू पी आ सिंध यूनाइटेड पार्टी असि कौमी अवामी तहरीक पलेज साहब वाले वो भी पांजी पार्टी रजिस्टर करा चुका है तो मां समझ तो इन मल एक तमाम वो जो पोलिटिकल कार्डर आ वो जो इन मल जी डी ए से गुड बीठो और मैं ये तौको क्या तो अच्छा वाले दिन में इंशाला तला जी डी ए वाहिद ऑपोजिशन अलायंस हों को मुकाबलो कह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाँ रुगो यहाँ असो फेयर छा जो 15 साल का इनकम्बेंसी या पीपल्स पार्टी की तो वह इनकम्बेंसी जो फैक्टर आ वो उनके असं किए अगत हली एक्सप्लॉयट क्यों किए आवाम के पान राब करने की कोशिश क्यों इंशाला तक इंशाला हाँ जी डी एड़ी कमिटेड अलायंस आ पे जो उन्होंने ठाया वो हाँ 5 साल जो अस इन सजे शहर के बेयर कह असा मूँ जे भी हुआ वो पांजी पांजी जाए असा गुड बीठा इंशाला तक बेहतर रिजल्ट बेहतर मुकाबला नजर इंदा अच्छा वही सर टाइम दिनों अल्लाह हाफिज़।